यार कैसा हो अगर आप कोई गाना बना रहे हो और कुछ कर रहे हो और ऐसा कुछ एरर आ जाए बार 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 बार, और बार 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 ये है वो, ये मैक है कहने को, बट ये देखो ऐसा एरर आ जाए जो कि रोज आता जाए, आप जितनी बार भी गाना बनाने की कोशिश करो और आ जाए एरर या फिर आ जाए सिस्टम ओवरलोड। इतना दिमाग खराब होता ना भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब रात रात भर गाने बनाओ कुछ करो, इतना दिमाग खराब होता है, ये एरर बार 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 इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। और हमारे को गाने बनाने होते हैं, जैसे कि अगर हमारी यीशु की गीत की फैमिली यहाँ पे देख रही है, आप लोग कहते हो कि ब्रदर सिस्टर गाने निकालो गाने निकालो, हम यहाँ पे बैठते हैं अपना मन बना करके कि चलो आज गाना बनाएंगे, पर जैसे ही हम खोलते हैं देखिए बहुत ही वाहियात, बहुत ही बकवास, और इसको देखते हुए हमारा सारा मोरल हो जाता है डाउन। यस, और हम मुश्किल से एक गाना बना पाते हैं, मतलब बहुत ही बुरे हाल में। और इसका रीजन है ये मैक मिनी जो कि 2012 का मॉडल। गाइस ये 2012 की मशीन है, और मतलब ये समझ लो कि अभी 2023 चल रहा है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार रहा हमारा सफर, काफी अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है। इन 11 सालों में ना, मतलब पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑडियो में, मतलब मैं कुछ नहीं था पहले, पर बहुत कुछ सीखने को मिला है जस्ट बिकॉज इस मशीन की वजह से। बट नाउ वी हैव अपग्रेडेड समथिंग न्यू। वी हैड टू हमारे को चाहिए थी नई मशीन अगर हमारे को नए गाने बनाने हैं। जहाँ पे इस YouTube चैनल पे गाने आते रहने चाहिए, राइट? क्योंकि yes. सब लोगों के गाने आ रहे हैं, तो हम कैसे पीछे हटे? यस, राइट? तो हमारे को चाहिए थी एक नई मशीन। तो ये है मैक स्टूडियो। सो पहले हम सोच रहे थे कि मैक के अंदर जाकर के मैक मिनी ही फिर से परचेस करें, बट देन फिर वो सेम ही चीज हो जाती, कुछ खास फर्क नहीं होता। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल सपोर्ट में बात करी थी हमने उनसे, पूछा था मैक हाँ. मिनी और मैक स्टूडियो के अंदर क्या फर्क है। हुँ. तो उन्होंने हमारे को बहुत डिटेल में बताया अबाउट कोर्स एंड जीपीयू एंड एवरीथिंग। हमारे को उसके अकॉर्डिंगली समझ आया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी स्टूडियो से पूरी होगी। देरी किस बात की, अनबॉक्स करते हैं क्योंकि आज ही ये आया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको आप लोगों के साथ अनबॉक्स किया जाए। खाली खाली अनबॉक्स करने में ना मजा नहीं आता। एक तरीके से शॉन का बर्थडे गिफ्ट है मम्मी पापा की तरफ। यस, सो थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड, नानी की तरफ से। यस, सबने मिलकर के ये शॉन को गिफ्ट दिया है, जो कि मेरा भी बर्थडे गिफ्ट आप कह सकते हैं। नहीं, इसको आईपैड मिला, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी आईपैड हु इज यूजिंग राइट? देखो ऐसा है, बहन का और भाई का वो सेम ही चीज होती है। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो ये यूज करेगी, जो ये यूज करे वो मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखो हमने आईपैड के अंदर भी नाम शॉन एंड शैनन आईपैड लिखा है। माइंड माई इंग्लिश, डोंट माइंड माई इंग्लिश, क्या बोल रही हूँ। तो शॉन शैनन आईपैड, उसी तरीके से हम नहीं, देख लो फोटो भी इसी की आ रही है इसमें। बात नहीं है। तो चलो यार अनबॉक्स करते हैं। डिब्बा ये रहा। Got it? भाई ह्यूज, हमारे को जगह बनानी पड़ेगी भाई इसकी रखने की। हैवी है ये। हाँ। बात नहीं कि बहुत ही हल्का सा, देखो उसका साइज देखो कितना छोटा सा है। और उसकी हवा सुन रहे हो, मतलब पंखे की शायद से हल्की हल्की सुनाई दे रही हो। और इसी से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब हम रिकॉर्ड करते हैं। आप देख रहे हो वो ना हमारा जो हमने न्यू माइक लिया था TLM, तो हम वहीं पे जब रिकॉर्ड करते हैं इसकी सारी पंखे की आवाज उसके अंदर आती रहती सारे समय। और ना इवन अगर हम ऑडियो रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं तो अगर बहुत ही क्रिस्प हमें चाहिए, बहुत ही साइलेंट, क्योंकि माइक अच्छा हो गया वो सारी चीजें उठा रहा है right. पीछे की हर एक एक आवाज राइट right. तो लेट्स सी हाउ दिस गोस। और हमने क्या क्या स्पेसिफिकेशंस में लिया है, लेट्स, ये आई गेस 12 कोर सीपीयू है। मेरे को इतना पता नहीं, मैं खुद भूल गया हूँ क्योंकि एक महीना लग गया इसको आने में। सही में एक महीना लगा था, वन मंथ लग गया पूरा। मैंने अपने बर्थडे पे किया था, बर्थडे पे किया था। अच्छा, अब जाकर के आया। और आज है, आज क्या है पता नहीं, आज डेट क्या है, हम इतने लॉस्ट थे, हम ऐसे क्यों है। आज है 16 अक्टूबर, रात के 9 बज रहे हैं और हम इसको अनबॉक्स करने वाले। लेट्स ओपन इट, लेट्स ओपन इट। गाइस स्टूडियो टूर भी हो गया हमारा एक तरफ से, है ना right. हमने कभी स्टूडियो में ऐसे व्लॉग नहीं करा। देखो सारा सारा सेटअप हो जाएगा ना अच्छे से, तो हम आपको स्टूडियो टूर भी करवाएंगे। हाँ, एक अच्छा वाला जो अभी देखो स्टिल अपग्रेडिंग प्रोसेस के ऊपर है। सही बात है, अभी देखो हमने माइक लिया था अब ये आया है। एंड ऑल थैंक्स टू जीसस, बिकॉज हम जितने भी सॉन्ग्स बनाते हैं इट्स ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, एंड वी नीडेड अ न्यू मशीन, इट्स ऑल थ्रू गॉड्स प्लान दैट वी हैव गॉट इट नाउ। चलो खोलो जल्दी से, फाड़ दो यार, क्या कर रहे हो, मेरी तरह फाड़ना सीखो यार। गाइस आपने मेरा आईपैड का अनबॉक्सिंग वाला देखा था क्या व्लॉग? नीचे कमेंट करके बताया जरूर से। मैंने तुझसे अच्छा काटा था वे, मैं ना तरीके से काटा, देखो काटना ही नहीं आ रहा।
जल्दी काटो यार, कब तक वेट करते रहेंगे लोग? हाँ शॉन विल्सन प्लीज इनवॉइस। ओके फास्ट बी फास्ट, हम ऐसे कागज नहीं देखते वी जस्ट। यार देखो इनवॉइस संभाल के रखनी होती है ना, ऊपर वाला का भरोसा नहीं। सही बात, हमारे को मिल गया इसका ये अड्डा खोलने का। शायद से यहां से फटेगा एप्पल वाले, सुधरेंगे नहीं ना कभी। ऐसी अजीब गरीब चीजें डालते हैं खोलने के लिए। अलग ही होती है भाई इनकी, ये देखना भाई मैक स्टूडियो। ऐसे खुलेगा ये, ऐसे खुलेगा, इसको समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, ये आधा ऐसे खुला है आधा ऐसे खुला है। हाँ ये देखो यार, ये क्या है भाई, पूरा बैग बना दिया है इन लोगों ने भाई। ये तो बड़ी मशीन है, जगह नहीं है रखने की, जगह बनानी पड़ेगी भाई। पता है मेरे को पहले लग रहा था कि अभी तो ये इतना सा है। हाँ यार इसका ये साइज है, ये तो पूरा डिब्बा है। घबरा रहा था कि इतना बड़ा होगा। हाँ मॉनिटर के अंदर तो नहीं टकरा जाएगा, हमारे को मॉनिटर भी वैसे अपग्रेड करना है। ओह नो, जब हम मॉनिटर अपग्रेड करेंगे तो ये फिट होगा। हाँ वही तो सोच रहा हूँ, क्योंकि ये अभी 24 इंच है। हमारे को बहुत सोच समझ करके थोड़ा सा, वैसे मशीन बनाने में बहुत टाइम लगेगा है ना, इसके अंदर काफी, क्योंकि इसके जितने प्लगइन्स वगैरह है वो सारे हमारे को इसमें ट्रांसफर करके लाने पड़ेंगे। राइट यस और ये जो है कैपेसिटी ये 2 TB वाली है, 2 TB पहले जो हम यूज कर रहे थे वो 1 TB वाला था, ये 2 TB है हमारे को। अच्छा हम लोग को लगा, इसकी MRP लिखी है 269900। ये देखो पता है क्या है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट, अब जैसे उसने हमारा 10 साल साथ निभाया, वी एक्सपेक्ट कि ये भी बहुत साल हमारा साथ निभाने वाला है। ये तो मुझे लग रहा है कि 10-12 साल से ऊपर तो निभाई जाएगी, निभा जाएगा। हमने इसको ट्राई करा था एप्पल के स्टोर पे एंड गाइज इसके ऊपर 8K की फुटेज चल पा रही थी। ये मतलब तो ये समझ लो कि अगर अब हम व्लॉग्स भी अगर बनाएंगे तो इसके ऊपर वो भी एडिट हो जाएंगे, म्यूजिक बनाएंगे वो भी। इट वुड बी टू फास्ट भाई, टू फास्ट। खोलो यार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी खोलो, ये देखो। ओए होए होए, यस दैट्स कूल। अरे भाई भाई ये डिब्बे हैं क्या, पूरी प्रोटेक्शन के साथ भेजा भाई, फुल ऑन। अच्छा अभी इसको अपने को इधर की तरफ, पूरा पजल है ये एप्पल। सही में यार ये देखो, ये कुछ इसके पेपर्स वगैरह हैं, इनके तो डिब्बे भी इतने क्रिएटिव हैं। यार स्टिकर नहीं दिए थे, अभी दिया है। ओह इतना बड़ा स्टिकर, कितना बड़ा स्टिकर, ये पहले छोटे देते थे याद है, ये वही है जो लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लगा लेते हैं ना। पर यार ये दो छोटे छोटे होते थे, अभी एक बड़ा है। हाँ एक बड़ा दिया है, ये क्या डिब्बे में, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये देखो इसमें लिखा हुआ है इधर मोड़ो, इसमें लिखा हुआ है इधर करो, और ये वाला तो कहीं जाएगा नहीं, समझ करके खोलो। लग रहा है कि कुछ ना कुछ है इसमें, सही में। कलर भी इतना प्यारा है, अच्छा है सही में। ये देखो इसमें आगे कार्ड रीडर भी है, ये 2 USB-C है और शायद से जो थंडरबोल्ट का भी काम करते हैं, है ना। अबे इतने सारे पोर्ट हैं, ये देखो चार चार तो ये हो गए, ये आपके नॉर्मल यूएसबी वाले हो गए, ये HDMI हो गया, ये ऑडियो के लिए हो गया क्योंकि ये तो मस्ट है अगर आपको काम करना है, ठीक है। ये पावर का हो गया, ये पावर बटन हो गया, ये लैन के लिए हो गया। आई गेस ये हम लोग का बेस्ट डिसीजन था कि हमने मिनी ना लेकर के स्टूडियो लिया। देखना यार इतना सा है वो, इतना सा। एंड थैंकफुली अब हमारे को ऐसी चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी, क्यों थैंकफुली अब ऐसा होगा कि हम गाने जल्दी बना पाएंगे, हमारा दिल करेगा हम बना पाएंगे। चलाओगे भी ना तो आवाज भी इसी मर मर के, अगर सुनाई दे रही हो तो। ये देखो इसमें सारी मेन जो एरर आता है वो आता है सिस्टम ओवरलोड, पर ये भी उसी के अकॉर्डिंगली है क्योंकि मशीन संभाल नहीं पा रही कुछ भी, क्योंकि क्या हो रहा है प्लगइन्स आजकल के लगते हैं ना उस वजह से। तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा लगा और लुगू करके, लगा लुगू करके इसको सेट अप करके आपको दिखाते हैं कि कैसा है, थोड़ा सा फिट करते हैं उसको वहाँ पे। यस सो यार जो इसके साथ जो केबल आई है वो मतलब उसका जो सॉकेट है वो कुछ ऐसा है, और ये नॉर्मल प्लग से काफी बड़ा और काफी मोटा है, तो उसके लिए हम ये कन्वर्जन प्लग यूज कर रहे हैं। ये काफी पुराना है और ये मैं यूज करता हूँ अपनी बॉश की मशीन को चलाने के लिए, जो हमारा कार वॉशर है वो भी जो प्लग है वो इतना ही मोटा है, तो अब इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से मिला भाई, अभी तो पता है पापा इसको बाहर लेने जाने ही वाले थे, बट बाहर ना बारिश शुरू हो गई, अब मौसम भी तो सुहाना हो रहा ही था। और क्यों नहीं जा रहा, बस इतना ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो आधा निकला रहेगा। भैया टक्की आवाज तो आई भाई, ये तो हमेशा के लिए अटक गया सा लग रहा है, अटक गया क्या, निकाल के देखूंगा, निकाल कर भी देख ले।
निकल गया, निकल गया थोड़ा सा ना टाइट। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, ये नॉर्मल उसके अंदर घुस ही नहीं रहा है, ये इसमें घुस रहा है। मंगवाना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का ना कन्वर्जन। सही कह रहा है इन्होंने, ऐसा भेजा इतना मोटू सा। प्रेस द रिटर्न की। भाई इसमें से आवाज आ रही है, इसमें से आवाज आ रही है। ऑन हो गया फाइनली। लैंग्वेज लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं और इसने यार हो गया है। वाओ ऑन हो गया भाई। वाओ क्या बात है। तो इसको सेटअप वगैरह कर लेते हैं कनेक्ट करने के लिए, पर कीबोर्ड तो हमारा मैक मिनी पर कनेक्टेड है। कीबोर्ड का माउस भी अपने आप कनेक्ट हो गया। कैन यू इमेजिन। सही में अपने आप थोड़ी देर तक आता रहा कि माउस कनेक्ट करो, माउस ऑन करो, इसने खुद ही कर दिया कनेक्ट। सो गाइस इट्स ऑल अप एंड रनिंग। बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस मेरे को अभी तक तो नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो स्पेक्स है वो देखो, 32 GB की इसके अंदर तो रैम है, मतलब जो मेमोरी है ना यूनिफाइड मेमोरी, वो 32 GB है। और ये जो चिप है ये है एप्पल की M2 Max। यहाँ पे जो कोर्स हैं GPU कोर्स वो 30 हैं, जो आपको बता रहा था। वो हमारी मैक भी नहीं कितने कोर की थी, शायद वो तो क्वाड कोर थी, वो इंटेल है ना। हाँ क्वाड कोर, क्वाड कोर इंटेल, चार हो गई। हाँ चार कोर। ये है 12 कोर, टोटल नंबर ऑफ कोर्स 12 कोर है। 8 परफॉर्मेंस 4 एफिशिएंसी। मैक स्टूडियो इट इज। बस अभी थोड़ा डिस्प्ले है, डिस्प्ले हमारी 1920x1080 वाली है। हाँ, तो है बाकी। हाँ, ये जो सपोर्ट है इसका मे बी शायद 6K 8K तक। हाँ, है क्योंकि हमने जैसे कि स्टोर में चेक किया था ना एप्पल के स्टोर पे, तो ज्यादा चला पा रहा था ये। और गाइस आपको पता है हमारे बोलते हुए हमें कुछ खुशबू सी आ रही है। Yes. किस चीज की आ गई पता? हाँ, भाई बता। कुछ नॉन वेज बन रहा है। नॉन वेज क्या लगता है, व्हाट यू थिंक? नॉन वेज बन रहा है। इट कुड बी मटन और चिकन, कुड बी पुलाव, इट कुड बी अ पुलाव। क्या इसकी खुशी में बन रहा है? यस। सो आई होप ये आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो। और देखो इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि हम जो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले थे साथ करें, वो आपके साथ करें, क्योंकि शॉन ने दोपहर से यही बोल रखा था कि हम अनबॉक्स करेंगे तो वीडियो में करेंगे। और ऐसा बात है कि कल हमारी है पियानो क्लास एंड मैं कर रही थी पियानो प्रैक्टिस। सब पीछे देख सकते हो, थोड़ा सा दिखा दो अगर आप। ये देखो पियानो वियानो सब लगा हुआ है और ये देखो हमारी सब शीट म्यूजिक भी खुली हुई है। और देख रहे हो ये कितना डिफिकल्ट है। देखो अगर हमारे सर देख रहे होंगे, कभी सर ने अगर ये व्लॉग देख लिया तो वो कहेंगे शॉन चैनल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इज इट? इट इज नॉट। हाँ भाई हम प्रैक्टिस कर रही थी मैं और इसने पीछे से कहा शॉन ने मैं खोल रहा हूँ मैक स्टूडियो, तेरे को खोलना है मेरे साथ तो आ जा। मैंने कहा यार नई व्लॉग में खोलते हैं साथ में, अब जैसे भी है। मैंने अभी पियानो छोड़ा एंड वी अनबॉक्स्ड इट विद यू गाइस। तो चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज है कि हम अपने चैनल पे आप क्या देखना पसंद करते हैं, आप क्या चीज हमारी तरफ से अच्छी लगती है, सो प्लीज टेल अस कमेंट सेक्शन में जरूर। तो हम वो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक चैलेंज करें कि आप दोनों की तरफ से हमें ये वाला चैलेंज देखना है, या फिर आप लोग यहाँ पर जाओ एंड वी लिव इन दिल्ली, इफ यू वांट टू नो। तो अगर दिल्ली की कोई भी चीज अगर जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं दिल्ली, या फिर आपके पास कोई चैलेंजेस है इन माइंड, सो प्लीज लेट अस नो बिकॉज़ we are happy to share with you. Yes. So till then, bye bye. Thank you so much. Take care. Love is always worth.